एनआरसी और सीएबी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। इस प्रदर्शन के दौरान एनआरसी और सीएबी को काला कानून बताते हुए यह देश के हित में नहीं बल्कि यह काला कानून है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मनोहर मेरोठे ने बताया कि आदिवासी एवं घुमक्कड़ प्रजाति के लोगों के पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं होते जिनसे वे अपने आप को इस देश का नागरिक बता सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कानून एक काला कानून है क्योंकि इसके चलते लाखों आदिवासी एवं बंजारा आदि लोग जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है वह परेशान होंगे। साथ ही मनोहर ने यह भी बताया कि इस रिकॉर्ड को इकट्ठा करने में 7 से 8 साल लग जाएंगे। इतने लंबे समय तक किसी का क्या होगा पता नहीं। आज जो ये एनआरसी कैब और एसीसी का जो बिल केंद्र सरकार मोदी सरकार लाई उसको लेकर के ये दो प्रदर्शन आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दोनों ने संयुक्त रूप से आज ये प्रदर्शन यहाँ पर किया है। हम बताना चाहते हैं कि एनआरसी से मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू और खास करके वो हिंदू जो घुमक्कड़ प्रजाति या जनजाति के लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है वो लोग निश्चित रूप से इस देश से अपना मूल निवासी का हक खो बैठे क्योंकि आदिवासी और हरिजनों के पास में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके नहीं होते हैं। जो इस प्रक्रिया से जब गुजरेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 6 से 8 साल इसमें लगेंगे वेरीफाई के दस्तावेजों। ये बहुत ही काला कानून है और इस काले कानून का हम जो तरीके से विरोध करते हैं और इसको किसी भी कीमत पे हम पास नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम विरोध प्रदर्शन यहाँ दोनों कर रहे हैं।